मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल एमपी बोर्ड की 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाएं 2 दिन बाद 17 फरवरी से शुरू हो रही हैं, जिसके लिए देवास जिले के परीक्षा केंद्रों की परीक्षा सामग्री बांटना शुरू की गई। सुरक्षा के लिहाज से केंद्रों पर प्रश्न पत्र संबंधित थानों के स्ट्रांग रूम में रखा जा रहा है। हमारे संवाददाता से चर्चा में जिला शिक्षा अधिकारी हीरा लाल खुशाल से बताया कि इस वर्ष 21,000 विद्यार्थी हायर सेकेंडरी व 25,000 हाई स्कूल में परीक्षार्थी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। इसके साथ ही जिले में 101 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं कुछ परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे के नजर में भी रहेंगे। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष के अलावा प्रवेशक निगरानी रखेंगे। इनके अलावा उड़न दस्ते भी परीक्षा केंद्रों पर सक्रिय रहेंगे। बताइए, हाई सेकेंडरी की जो पुस्तक पर किताब काफ़ी होने जा रही है, क्या पूरा 17 तारीख तक मंडल माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की परीक्षा प्रारंभ हो रही है। उसी कार्यक्रम में आज देवास, सोनकच्छ और टोपखुर्द विकासखंड की गोपनीय सामग्रियों का वितरण मंडल के निर्देशानुसार एवं जिला प्रशासन के निर्देशानुसार किया जा रहा है। सर, कितने मंडलों का है? 3 विकासखंड है, देवास, सोनकच्छ और टोपखुर्द विकासखंड, और 3 कन्नौज, खातेगांव, वागली विकासखंड की सामग्री कल वितरित की जा चुकी है। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की ये रिपोर्ट।